हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है माइंड गेटवे एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है कमांड ब्लॉक के ऊपर। और आज के इस वीडियो में जो कमांड है अपना वो है रिप्लेस आइटम, क्योंकि ये कमांड मुझसे छूट गया था और कमेंट में मुझसे बोला गया तो भाई मैंने वीडियो बना दी इसके ऊपर। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, उन्हें फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। तो ठीक है, आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ क्योंकि अपना काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस चेस्ट से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि रिप्लेस आइटम कैसे काम करता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉल करेंगे रिप्लेस आइटम को। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितने टाइप का है, ब्लॉक इंटिटी, ये चार टाइप के कमांड खुल के आ रहे हैं। तो मैं बता दूँ ये किस टाइप के कमांड ने इसे कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो ब्लॉक वाला कैसा होता है, ये वर्क करता है चेस्ट के लिए, यानी जब कोई ब्लॉक होता है उसके लिए। और एंटिटी वाला जो होता है वो वर्क करता है किसी प्लेयर या फिर किसी मूव या किसी भी एंटिटी के लिए वर्क करता है। ओके, उसके बाद पोजीशन केवल ब्लॉक में चाहिए होता है, यानी चेस्ट जो है आपकी वो कहाँ पर रखी हुई है इसके लिए। ओके, और उसके बाद स्लॉट कंटेनर, वो तो डिफ़ॉल्ट होता है इसमें, लेकिन जो एंटिटी होता है उसमें स्लॉट हैं वो कई टाइप के होते हैं, वो मैं अभी बता दूंगा। और स्लॉट आईडी जो कि 0 से लेके आगे को बढ़ते वो मैं बता दूंगा स्लॉट आईडी क्या होती है। उसके बाद आइटम नेम आपको देना होता है कौन सा आइटम आप डालना चाहते हैं। और उसके बाद अमाउंट, कितनी अमाउंट, बस इतना ही डालना पड़ता है और आपका जो आइटम है वो आ जाता है ब्लॉक में। ठीक है, और एक सेकंड में पहले बता देता हूँ कि ये जो आइटम होती स्लॉट का आइटम, जो स्लॉट आईडी होती है वो आपको कैसे मिलेगी। तो गाइस, स्लॉट यहाँ से स्टार्ट होता है, ए पर रखा हुआ जहाँ पे एक, वहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, और ये जो होता है इसे 0 बोलते हैं और इसे 1 बोलते हैं, इसे 2 बोलते हैं, इसे 3 बोलते हैं। अब भाई क्या हुआ, इसे 3 बोलते हैं, इसे इसी तरफ से बढ़ते चले जाते हैं लास्ट तक। ठीक है, तो इस टाइप से बढ़ करता है, जो पहला होता है वो 0 होता है, उसके बाद 1 और उसके बाद लास्ट तक बढ़ते चले जाते हैं इस साइड के लिए, इस साइड को बढ़ते हैं। ओके, तो ये हो गया आपको स्लॉट आईडी कैसे मिल जाएगी। और उसकी बात बात करते हैं, और यही हर जगह होता है, चाहे वो यहाँ पे हो, ये अपना हॉट बार होता है ना, तो यहाँ पे भी वही काम करता है और अपने इन्वेंट्री में भी वही चीज़ काम करती है। ऊपर वाला ये 0 होता है और बाकी की बात हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, अभी मैंने आपको समझा दिया कैसे आप आईडी ले सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस, मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो एप्पल है ना, इनको मैं उठा के इधर रखता हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि इनका काम नहीं है अभी। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ ये ब्लॉक वाला। ओके, तो ब्लॉक वाले से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉल करेंगे रिप्लेस आइटम, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे ब्लॉक और ब्लॉक का कोऑर्डिनेट देंगे। तो मेरा जो ब्लॉक यानी कि चेस्ट रखी उसका है 18 33 5। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया ऑलरेडी सेट था। उसके बाद हम सेट कंटेनर डालेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद ये ब्लॉक आईडी है, तो ब्लॉक आईडी मैंने क्या दी, 0 दी, क्योंकि मैं पहले नंबर वाले में लाना चाहता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, आइटम नेम देना है। तो आइटम नेम में मैं क्या देता हूँ, वापस से आपको एक सेकेंड, मैं एप्पल ही दे देता हूँ, एप्पल। उसके बाद अमाउंट देनी है मुझे, तो अमाउंट में मैं लिख देता हूँ 20। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 जो हैं एप्पल आ चुके हैं। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है। और इसी का दूसरा वाला होता है, इसी का मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, रिप्लेस आइटम ब्लॉक और सेट कंटेनर, उसके बाद 0। ठीक है, अभी जो होता है ये मैंने पहला वाला कमांड आपको बता दिया, आइटम नेम आइटम करें। ठीक, इसके नीचे आता है ओल्ड आइटम हैंडलिंग। तो इसमें क्या होता है, आपको इसमें एक कंडीशन जैसे इफ़ एल्स का आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं, कीप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये नीचे वाला अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्ट्रॉय, तो भी ये जो नीचे वाला है वो एक्टिव हो जाएगा कमांड। तो कीप या डिस्ट्रॉय, यहाँ पे दो इफ़ एल्स, जो कीप है वो इफ़ होता है, या आप कुछ ही मान लो इफ़ एल्स तरह से वर्क करता है। तो अभी क्या किया मैंने, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो अगर मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या होगा, जो कंटेनर में कंटेनर आईडी मैंने 0 दी है ना, तो 0 पे अगर कुछ होगा तो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा और उसकी जगह पे जो मैंने बोला है वो ब्लॉक आ जाएगा या फिर आइटम आ जाएगा। लेकिन नहीं, पर अगर आप रखते हैं कीप, तो इससे क्या होता है कि जो आपका पैलेस होता है ना उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर आयरन इंगट मांग लेता हूँ, आयरन इंगट। ठीक, आयरन इंगट मैंने बुला लिया और मैंने बोल दिया भाई 20 दे दो।
तो ये मैंने दे दिया। अभी मैंने कीप लिखा है ठीक है, और मैंने वही सेम वही डाल रहा है, वही अपनी चेस्ट है और वही आईडी है स्लॉट की। तो अभी क्या होगा आप देखना, देर इज ऑलरेडी एन आइटम ऑक्यूपाइंग स्लॉट कंटेनर स्लॉट जीरो। तो यानी कि यहाँ पे पहले से कंटेनर जीरो में कुछ है, इसलिए इसने जो आइटम जो यहाँ पे रखना था वो नहीं रखा। अगर हम यहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते अगर कीप की जगह पर, तो भाई उसका उल्टा हो जाता है, यानी कुछ होता तो वो चला जाता, उसकी जगह पे वो रिप्लेस हो जाता। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है। अभी मैं बताता हूँ ये एंटिटी वाला कैसे वर्क करता है। तो अभी मैं एंटिटी वाला बताता हूँ आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे फिर से रिप्लेस आइटम, उसके बाद हम डालेंगे एंटिटी, उसके बाद हमें क्या देना होता है, कौन सी एंटिटी भाई, कहाँ है एंटिटी वो, उसका उसके बारे में बायोडाटा। तो भाई मैं हूँ नियरेस्ट प्लेयर। ओके, उसके बाद स्लॉट। अभी स्लॉट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, क्योंकि आपको स्लॉट में दिखाता हूँ बहुत सारे आते हैं, आर्मर, आर्मर चेस्ट, आर्मर फीट, आर्मर हेड, आर्मर लेग, चेस्ट, एंडर चेस्ट, हॉट बार, इन्वेंट्री, सैडल, विपन, मैन हैंड, विपन ऑफ हैंड, यानी कि आप हाथों का भी रिप्लेस कर सकते हैं और इन्वेंट्री का भी कर सकते हैं, और अपने हॉट बार जो अपना मैन होता है वो उससे भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं इन्वेंट्री दिखाने वाला हूँ, वही आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे स्लॉट डॉट लगा के लगाता हूँ इन्वेंट्री का। ओके, तो इन्वेंट्री का लग गया। अभी मुझे स्लॉट आईडी देनी, तो स्लॉट आईडी में वही जीरो देता हूँ, यानी कि पहला नंबर। उसके बाद सेम वही है, हम एप्पल वापस ले लेते हैं, वो एप्पल ले लेते हैं 10, ठीक है। और ये मैंने 10 एप्पल ले लिए, और ये मुझे 10 एप्पल जो है वो मिल चुके हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से दो कमांड होते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस आइटम, एंटिटी एंड नियरेस्ट प्लेयर, स्लॉट इन्वेंट्री, और उसकी बात क्या है, वही ओल्ड आइटम हैंडलिंग, यानी कि कीप या फिर डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रॉय का आपको ट्रेलर दूंगा, डिस्ट्रॉय। ओके, एक सेकंड, मैंने कुछ गलती की, हाँ मैंने आईडी नहीं दिए भाई, मैं कहूँ क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे करते हैं डिस्ट्रॉय, तो ये मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अभी नीचे वाला एक्टिव हो चुका है और डिस्ट्रॉय पे क्लिक भी हो चुका है। और अभी मुझे क्या करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसकी जगह पे आयरन इग्नेट को लेके आना है, आयरन। ओके, और आ जाता है, चलो और टाइप नहीं करना पड़ेगा, आलसी हूँ थोड़ा। ओके, और वो भी मैंने 10 ले लिए, तो ठीक है। अभी क्या है, जो डिस्ट्रॉय कर देगा जो किसी भी होगा मेरे पास रिप्लेस्ड। तो आप देख सकते हैं अभी मेरे पास और आ गई उसकी जगह पे एप्पल ले आप। अगर भाई मैं कीप रखता तो जो है वो नहीं जाता और एरर दिखा देता। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर उस इन्वेंट्री में कुछ रखा हुआ है तो ना हो, तो उसके लिए आप कीप रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रखा हो या नहीं रखा हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हो गया एंटिटी, नियरेस्ट प्लेयर, स्लॉट इन्वेंट्री। और स्लॉट मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा स्लॉट कहाँ पर यूज होता है। तो स्लॉट भाई, स्लॉट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ज़्यादा स्लॉट यूज नहीं होते हैं। स्लॉट में आपको एक हॉट बार और चेस्ट, वो इन्वेंट्री, ये दो हॉट बार ही आप ज़्यादातर यूज करेंगे किसी भी एंटिटी के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं, सैडल या ये सब नहीं ज़्यादा यूज होता है, लेकिन आप कर सकते हैं। तो आप समझ लो ये आर्मर के लिए है, और ये आर्मर चेस्ट में, ये सब इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने खुद समझ लेना। और गाइस, एक कमेंट थी मेरे पास कि क्या स्काई ब्लॉक बना सकते हैं कमांड ब्लॉक्स, तो भाई बिल्कुल नहीं बन सकता वो कमांड ब्लॉक से, उसके लिए कोडिंग चाहिए होती है, तो तब जाके स्काई ब्लॉक बन सकता है। तो ठीक है गाइस, आज वीडियो में सिर्फ इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।